सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि YouTube सर्च टर्म का मतलब क्या होता है और इसकी ऐसे आप अपने व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे मैं आपको क्लियर आपको बताने वाला हूँ और आपको एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो अभी हम चलते हैं अपने मॉल की स्क्रीन पर। तो जय दोस्तों, हम आ गए अपने मॉल की स्क्रीन पर। मॉल की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको कर लेंगे वाइट स्टूडियो ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर एनालिटिक्स पे करना है क्लिक। आपको जाना कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर। कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको दी जाएगा YouTube सर्च टर्म्स, इस पर हम कर लेते हैं क्लिक। अब इस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखेंगे कि 28 दिन का डाटा दिखा रहा है कौन कौन से कीवर्ड की वजह से मेरी वीडियो सर्चिंग में आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मेरा कीवर्ड है अनऑरिजिनल कंटेंट फेसबुक बैलेंस, तो सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो सर्चिंग में आ रही है इस वाले कीवर्ड से। और सेकंड नंबर पर ये वाला कीवर्ड है प्रेजेंट नॉट स्टेबिलिटी फेसबुक पेज। तो दूसरे नंबर पर ये वाला कीवर्ड, इसकी वजह से मेरी वीडियो सर्चिंग में जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड हैं, तो इनकी वजह से मेरी वीडियो सर्चिंग में जा रही है यूट्यूब पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा फेसबुक की वीडियो हैं और सॉन्ग की भी है और पिक्सल लैब की है, तो बहुत सारी यहाँ पे वीडियोज़ हैं मेरी जो सर्चिंग में जा रही हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं, पॉपुलर पर क्लिक कर लेना, आपको पता पड़ेगा कौन कौन सी वीडियो मेरी सर्चिंग में जा रही हैं। तो ये वाले जो कीवर्ड हैं जो मेरे सर्चिंग में जा रहे हैं, और आप इनको 7 डे पर क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर में कौन कौन से कीवर्ड मेरे सर्चिंग में जा रहे हैं, 48 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर और 365 दिन के अंदर, और लाइफ टाइम पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनकी हेल्प से अपनी वीडियो वायरल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इनका यूज़ करके अपनी वीडियो वायरल कर सकते हैं। टाइटल जैसे कि हमारी टाइटल है अनऑर्डिनरी कॉन्टेंट फेसबुक बैलेंस, इसको हम कॉपी कर लेंगे, जो हमारी वीडियो का टैग है ना उनमें जाके इसको लगा देंगे, तो हमारी वीडियो यूट्यूब सर्च में चली जाएगी, जिससे हमारी वीडियो में व्यू भी गेन हो सकते हैं और सब्सक्राइबर भी गेन हो सकते हैं। तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। तो आपको उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है, ऐसे मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आपको कॉपी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब लेने के बाद आपको जाना है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीनशॉट, इस वाली एप्लीकेशन को आपको लेना ओपन को, इस गैलरी वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। अब क्लिक करने जो हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है, इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, और ऐसे हम ऐसा करके कर लेंगे, ऐसे करके यहाँ से हमारे ऐसे कीवर्ड हो जाएंगे कॉपी, तो थोड़ी देर में जनरेट करके दे देगा हमको। तो जैसे उससे यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स निकल के आ चुके हैं, इस पर हम करते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के बाद इसको हम और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अपनी एक वीडियो में, ना कंटेंट वाला ऑप्शन में हमने कर लिया क्लिक। अब क्लिक करने के बाद किसी एक वीडियो पे हम कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक, और आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में करना है क्लिक। क्लिक करने यहाँ पर आपको आपको जाना है टैग वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपको जितनी हम टैग कॉपी करें यहाँ पर हम कर देंगे उनको पेस्ट। तो ऐसा आपको ये काम करना है, 24 घंटे के अंदर या 24-48 घंटे के अंदर आपकी वीडियो सर्चिंग में धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो ऐसा आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और आप भी सीखना चाहते हैं अपनी वीडियो एनालाइज कैसे करते हैं, तो आप इस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।